हेलो, सो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू टारगेट आईएएस। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में पीएच डायग्राम, दैट इज द प्रेशर एंथैल्पी एंड टेम्परेचर एंट्रोपी, ये ड्रॉ कर लिया था, ठीक है, फॉर सिंपल सैचुरेशन साइकिल। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, तो इधर देखिए, यही वो यहाँ पर बनाया हुआ है। ओके, समझ में आया। तो टीएच डायग्राम बनाया हुआ है और मैंने पीएच भी बना दिया था ना, प्रेशर एंथैल्पी भी बना दिया था मैंने, ठीक है। ओके, बात समझ आ गई। चलिए, तो इस तरीके से बनेगा, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये नोट में छोटा सा बता रखा है कि 3 से 4 जो है प्रोसेस किस तरीके का हो रहा है। देखिए, 3 से 4 क्या हो रहा है, आइसेंथैल्पिक हो रहा है ना। आइसेंथैल्पिक कैसा होता है, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, है ना। एडियाबेटिक तो होता है, मतलब देयर इज नो हीट इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग, बट इरिवर्सिबल होता है, राइट। सो डेल्टा एस विल बी एस जनरेशन प्लस डी क्यू बाई टी, है ना। दिस इज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी एंड दिस इज ड्यू टू एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी। नाउ ये तो हो चुका है 0, क्यों, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक। तो डेल्टा इज बराबर एस जनरेशन, ये जो होता है हमेशा ही पॉजिटिव होता है, इसलिए हमेशा ही एंट्रोपी होनी चाहिए इंक्रीज, समझ में आ गया। और प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, वाई, बिकॉज इट इज एक्सपेंशन टेकिंग प्लेस, वाई, बिकॉज दिस इज एक्सपेंशन टेकिंग प्लेस। तो ये छोटा सा बता रखा है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट सीओपी, है ना। अब सीओपी की बात करते हैं। ये देखिए, अब यहां पर सीओपी क्या होता है, देखिए, ये है क्या, इवेपोरेटर, ये है कंप्रेसर, दिस इज कंडेंसर, एंड दिस इज व्हाट, एक्सपेंशन डिवाइस या थ्रॉटलिंग डिवाइस, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द डिजायर्ड इफेक्ट ओवर हियर, यहां पर डिजायर्ड इफेक्ट कौन देगा हमें, इवेपोरेटर, कंडेंसर। देखिए, इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर एसी, द डिजायर्ड इफेक्ट कौन देगा, इवेपोरेटर, जबकि इन केस ऑफ हीट पंप कौन देगा, कंडेंसर। तो भैया क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। द डिजायर्ड इफेक्ट कौन देगा, डिपेंड करता है डिवाइस क्या है, हीट पंप कहां से देगा डिजायर्ड इफेक्ट, कंडेंसर, एंड वेयर एज द योर रेफ्रिजरेटर विल गिव द डिजायर्ड इफेक्ट, दैट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट फ्रॉम इवेपोरेटर, बात समझे। सो देयरफॉर सीओपी का होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। सो नाउ बहुत ध्यान से देखिएगा माय डियर, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, इवेपोरेटर, समझे। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा माय डियर, बहुत ध्यान से। सो लुक एट हियर माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैसे लिखना है। देखो, आप इसको देखो, फिगर को भी देखते जाओ ना, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, 4 से 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा ना, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, इवेपोरेटर। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस, यही होता है ना। सो बेसिकली हमें निकालना है क्यू 4 से 1, समझ में आई बात, अरे यहां तक ठीक है। तो क्यू 4 से 1 निकालना है। नाउ यू नो वेरी वेल डी क्यू इज इक्वल टू वॉट, डी एच माइनस वी डी पी, ध्यान है थर्मोडायनेमिक्स में बताया था, डी क्यू इज इक्वल टू वॉट, डी एच माइनस वी डी पी। नाउ यू नो वेरी वेल इवेपोरेटर इज वर्किंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सो देयरफॉर दिस टर्म बिकम्स वॉट, 0, ये 0 बन गया। सो डी क्यू बराबर क्या जाता है, डी एच के बराबर, मतलब क्यू 4 से 1 विल बी, सॉरी, एच 4 से 1 मतलब क्या है, H1 माइनस H4 सिंपली, बस। सो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा, दैट्स विल बी नथिंग बट एंथैल्पी डिफरेंस, बस। तो इसीलिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर केजी, अगर मैं पर केजी की बात करूं, मतलब स्पेसिफिक, तो ये क्या होगा, H1 माइनस H4। अब समझ आया किस तरीके से H1 माइनस H4। तो दिस विल बी द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। नाउ वर्क इनपुट, अब बात कर लेते हैं वर्क इनपुट की, ये क्या होगा, वर्क इनपुट किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, कंप्रेसर के कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, 1 से 2। नाउ अगेन यूजिंग द सेम इक्वेशन, dq इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस v डेल्टा p, है ना, ठीक है बात। नाउ माय डियर, लुक एट हियर वेरी केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स, लुक एट हियर, कैसा प्रोसेस हो रहा है कंप्रेसर के अंदर, आइसेंट्रोपी, मतलब रिवर्सिबल हो रहा है और एडियाबेटिक हो रहा है, बात फिर से सुन लो, रिवर्सिबल हो रहा है एंड एज वेल एज व्हाट, एडियाबेटिक हो रहा है, बात समझिए, रिवर्सिबल हो रहा है और रिवर्सिबल हो रहा है एज वेल एज क्या हो रहा है, एडियाबेटिक हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब डेल्टा क्यू बराबर इस केस में 0 होगा कि नहीं, सो डेल्टा क्यू विल बी 0 इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एच माइनस वी डेल्टा पी, आप समझ पा रहे, इस 0 इज इक्वल टू व्हाट, डी एच माइनस, इसको मैं वी डी पी लिख सकता हूं। अच्छा माय डियर, एक बात बताइए, कंप्रेसर कैसा सिस्टम है, ओपन है कि क्लोज है कंप्रेसर, इनफैक्ट माय डियर, ये जो जितनी भी डिवाइसेज आप देख रहे हैं, अच्छा ये मैं बताना थोड़ा भूल गया,
जितनी भी डिवाइसेस आप देख रहे हैं पर, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस, ऑल दीज आर ओपन सिस्टम की क्लोज सिस्टम, जल्दी से बताइए। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे क्या है, ओपन सिस्टम है माय डियर, ओपन क्यों, क्योंकि इसके थ्रू हो सकता है मास ट्रांसफर, इनके थ्रू हो सकता है मास ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, मास ट्रांसफर भी होगा। ओपन का मतलब किससे, मास से, है ना, तो इसके थ्रू क्योंकि मास ट्रांसफर हो सकता है, देयरफॉर दीज आर ऑल व्हाट, ओपन सिस्टम, बात समझे। एंड फॉर ओपन सिस्टम यू नो वेरी वेल माय डियर, ओपन सिस्टम के लिए वर्क किससे डिफाइन होते हैं, माइनस वीडीपी से होता है कि नहीं होता, जो डेल्टा डब्ल्यू होता है, सॉरी डीडब्ल्यू, डीडब्ल्यू विल बी माइनस वीडीपी और नॉट, इनफैक्ट इंटीग्रेशन हटाना चाहिए, डीडब्ल्यू जो होगा दैट इज माइनस वीडीपी और नॉट। तो इससे यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी जीरो इक्वल टू डी एच प्लस डीडब्ल्यू लिख सकता हूं, अरे यहां तक ठीक है, सो डीडब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स डी एच, सो देयरफॉर वर्क इनपुट जो होगा, वर्क ऐसे लिखते हैं, वर्क कंप्रेसर दैट विल बी व्हाट, माइनस डेल्टा एच, है ना, माइनस डेल्टा एच। अब डेल्टा एच कैसे लिखेंगे, एच टू माइनस एच वन, माइनस टाइम्स एच टू माइनस एच वन, इफ आई टॉक अबाउट पर यूनिट मास, सो दैट विल बी व्हाट, माइनस टाइम्स, देखिए H2 माइनस H1। अब मुझे एक बात बताइए माय डियर, H2 बड़ा होगा कि H1 बड़ा होगा, H2 बड़ा होगा कि H1 बड़ा होगा, एंथैल्पी बढ़ रही है ना, क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है, सो देयरफॉर सिंस H2 इज ग्रेटर देन H1, सो देयरफॉर वर्क डन कंप्रेसर विल बी व्हाट, माइनस टाइम्स H2 माइनस H1। अब देखिए ये तो पॉजिटिव है ना, H2 माइनस H1, बाहर माइनस है तो ये नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल, और नेगेटिव आना चाहिए माय डियर, क्योंकि कंप्रेसर क्या है, वर्क इनपुट डिवाइस की वर्क आउटपुट डिवाइस, इनपुट है ना, वर्क कंज्यूम करेगा, तो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस क्या होते हैं, नेगेटिव, समझे। चलिए कुल मिलाके अब सीओपी लिखनी है मुझे, तो दैट विल बी व्हाट, डिजायर्ड इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर केजी, एच वन माइनस एच फोर अपॉन वर्क इनपुट, बट माई डियर वर्क इनपुट मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एच टू माइनस एच वन, दैट्स इट। तो ये होता है सीओपी, इस बार इससे डिफाइन करते हैं सीओपी। माई डियर यहां पे टी लोअर पॉइंट, टी हर मैस, टी लोअर मत यूज कर लेना, क्योंकि वो किस केस में, वो कार्नट, वो आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए, आइडियल जो है रिवर्स कार्नट, ठीक है, उसके लिए वैलिड है। यहां पर सीओपी इस तरीके से डिफाइन होगा, समझ में आ रहा है, वीसीआरएस में हम लोग एंथैल्पी के टर्म्स में डिफाइन करते हैं सीओपी, बात समझ आ रही है कि नहीं, गेटिंग क्लियर और नॉट। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा ये किस तरीके से आया, नाउ अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से आया है। सो एच सीओपी क्या होगा, एच वन माइनस एच फोर डिवाइड बाई एच टू माइनस एच वन, अब समझ आया, नहीं तो आपको नहीं समझ आता है कैसे आया है, ठीक है ना, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब माय डियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू इंटरव्यू, कि वाई आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इज नॉट प्रिफर्ड इन वीसीआरएस। आपने माय डियर ये देखा है कि जो इसमें एक्सपेंशन हो रहा है दैट इज आइसेंथैल्पिक, दैट इज अकरिंग एट वॉट, कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, है ना, दैट इज अकरिंग एट कॉन्स्टेंट वॉट एंथैल्पी। बट क्वेश्चन ये है कि हम लोग आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन क्यों नहीं करा सकते, मतलब ये जो एक्सपेंशन है ना, ये हम आइसेंट्रोपिक क्यों नहीं करा सकते, आइसेंट्रोपिक क्यों नहीं करा रहे हैं यहां पे, स्पेशली इन दिस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, एंड वाई ओनली आइसेंथैल्पिक, क्यों? तो उसका माय डियर रीजन सुन लीजिएगा, उसका रीजन सुन लीजिएगा। देखिए जो अपने एक्सपेंशन डिवाइस है उसके एंट्री पे कैसा फ्लूइड है, लिक्विड, है ना, उसके एंट्री पे फ्लूइड लिक्विड है ना, द रेफ्रिजरेंट इज लिक्विड और नॉट, सो द एंट्री टू द एक्सपेंडर, एक्सपेंडर बोल लीजिए, एक्सपेंशन डिवाइस बोल लीजिए, थ्रॉटलिंग डिवाइस बोल लीजिए, इज सैचुरेटेड व्हाट, लिक्विड। और माय डियर आप जानते हैं कि वर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है, माइनस वीडीपी, माइनस वीडीपी, एंड माइनस यहां पर क्या होगा, न्यू एफ, क्योंकि एंट्री पे कैसे स्टेट है, सैचुरेटेड लिक्विड, तो यहां पर हो जाएगा माइनस न्यू एफ इंटू डीपी। Now you know very well, न्यू एफ की वैल्यू बहुत ही कम होती है ना न्यू जी से, तो ये वर्क जो आएगा ये बहुत ही कम आएगा कि नहीं माय डियर, ये बहुत ही कम आएगा, दिस विल बी वेरी लेस इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, गॉट द पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, अरे यहां तक ठीक है बात, सो वेयर इज न्यू एफ इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड विच इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू व्हाट, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सैचुरेटेड वेपर, ठीक है, so therefore here expansion work जो होता है is negligible in comparison to the compression work, compression work कहीं ज्यादा होगा, expansion work बहुत ही negligible होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर new f की value बहुत ही कम होती है as compared to the new g, समझे,
सो द यूज ऑफ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन विल नॉट जस्टिफाई द कॉस्ट, जो है इस केस में माय डियर, इस केस में मतलब वेपर कंप्रेशन के केस में, सॉरी जो हमारा एक्सपेंडर है अगर हम यूज कर लेते, मतलब अगर हम आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन करा लेते तो माय डियर क्या होता, वहां से हमें फ्रूटफुल नहीं होता, क्योंकि न्यू एफ की वैल्यू बहुत ही कम है। सो बेसिकली हम एक्सपेंडर यूज भी कर लेते हैं, उसको हम एक्सपेंडर बोलते हैं, एक्सपेंडर की माय डियर कॉस्ट ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग जो है एक्सपेंडर ना यूज करके हम लोग यूज करते हैं कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब कॉस्ट वाइज काफी चीप होता है, ठीक है, कॉस्ट वाइज काफी चीप होता है। और दूसरा माय डियर इसलिए एक्सपेंडर यूज नहीं करते हैं माय डियर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब जब हम पढ़ेंगे ना बेल कॉलमैन साइकिल या फिर रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल, जब अपन रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल पढ़ेंगे ना, बेल कॉलमैन जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल मैं बता रहा हूं, विच इज मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड इन जेट्स, जेट एयरक्राफ्ट है ना, उसमें जो एयर यूज होता है ना वर्किंग फ्लूइड, अब उस केस में हम लोग एक्सपेंडर यूज करते हैं। और मैं पहले बता दूं उस केस में जो हम एक्सपेंशन कराते हैं वो कराते हैं हम लोग आइसेंट्रोपिक। तो माय डियर वहां पर जस्टिफाइड है, वहां पर क्यों, क्योंकि वहां पर वर्किंग फ्लूइड क्या, एयर, एयर का तो न्यू ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू न्यू एफ। वैसे भी वहां पर न्यू एफ डिफाइन ही नहीं है क्योंकि एयर कभी लिक्विड में आएगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं न्यू जो है एयर का सिग्निफिकेंट होता है एज कंपेयर टू व्हाट, न्यू एफ ऑफ वाटर, ठीक है ना। न्यू एफ की वैल्यू क्या होती है 0.001 करके, 0.001, और न्यू जी क्या होता है 1.2 इस तरीके से ना, 0.8 विच इज वेरी मच लार्जर, है ना। तो देयरफॉर वहां पर फिर भी जस्टिफाई है, यहां पर जस्टिफाई नहीं है क्योंकि माय डियर यहां पर हमें बहुत ही नेग्लिजिबल वर्क मिलेगा, यहां पर जो एक्सपेंशन का हमें वर्क मिलेगा वो नेग्लिजिबल होगा, तो उसको लगाने का कोई मतलब नहीं है। सो देयरफॉर देयर विल नॉट जस्टिफाई द कॉस्ट। बट जब अपन एयर के केस में देखेंगे तो वहां पर हमें जरूर एक्सपेंडर लगाएं क्योंकि वहां पर कॉस्ट जस्टिफाई हो रही है, क्योंकि हमें जो एक्सपेंशन का वर्क मिलता है दैट इज मच सिग्निफिकेंट, बट यहां पर बहुत ही इनसिग्निफिकेंट वर्क मिलता है। अच्छा यहां पर वर्क मिलता क्यों है, वर्क आउटपुट है, आउटपुट ही है ना यार, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है ना, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इसलिए इस केस में हमें वर्क मिलता है, जबकि इस केस में वर्क हमें देना पड़ता है कंप्रेसर केस में, समझे, समझ आया। सो द कॉस्ट ऑफ थ्रॉटल वाल्व, या फिर हम यूज करते हैं कैपिलरी ट्यूब, इनफैक्ट आप कभी विंडो एसी को खुलते हुए देखा हो तो उसमें आप पाएंगे कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। सो द कॉस्ट ऑफ थ्रॉटलिंग वाल्व इज वेरी लेस कंपेयर टू द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर, ठीक है, तो महंगा भी पड़ेगा और वो जस्टिफाइड भी नहीं होगा क्योंकि हमें वर्क ही नहीं मिलेगा, बात समझ पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग कैसा प्रोसेस करा देते हैं, आइसेंथैल्पिक इंस्टेड ऑफ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, समझ में आया, राइट। सो नाउ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम लोग देख चुके हैं H1-H4, वर्क इनपुट देख चुके हैं H2-H1, राइट, ओके। तो यही वो लिखा हुआ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, H1-H4 दैट इज किलो जूल्स पर केजी, किलो जूल पर केजी होगी ना यूनिट, बिकॉज स्पेसिफिक है। नेक्स्ट माय डियर एक है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, देखिए माय डियर देयर इज नॉट मच लार्ज डिफरेंस, बस सिर्फ यूनिट का फर्क है ये भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, बट दिस इज रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मतलब होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर केज पर सेकेंड, सो दैट इज इन किलो वॉट। सो बेसिकली इसको हम जब मास फ्लोरेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब हम इसको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को मास फ्लोरेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये क्या है किलो जूल पर केजी, ये क्या है किलोग्राम पर केजी पर सेकेंड, तो केजी केजी कैंसिल तो बच जाता है किलो जूल पर सेकेंड, दैट इज किलो वॉट, ठीक है। तो ये होता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, कुछ नहीं माय डियर, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर सेकंड इज कॉल्ड एज रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, दैट्स इट। और वर्क इनपुट क्या होता है H2-H1, अपन ने देखा अगेन किलो जूल पर केजी, बट अगर यही रेट दिया होता पर सेकंड किलो वॉट, तो अगेन यहां पे क्या करना पड़ता, मास फ्लोरेट से मल्टीप्लाई, मास फ्लोरेट किसका, रेफ्रिजरेंट का, है ना। पावर इनपुट यही वही है दे रखा है, पावर इनपुट है ना, तो पावर इनपुट क्या होगा किलो वॉट, दैट इज मास फ्लोरेट इनटू वर्क इनपुट, समझ में आ गया, ठीक है बात, समझे, ओके। नाउ माय डियर नेक्स्ट एक टर्म हम डिफाइन करते हैं इन द केस ऑफ कंप्रेसर, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, माय डियर बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को हम लोग ब्रीदिंग कैपेसिटी का नाम देते हैं, अगर शॉर्ट में मैं बोलूं सो इट इज द ब्रीदिंग कैपेसिटी ऑफ, आप आईसी इंजन में भी तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पढ़ते हैं, इनकेस ऑफ इंजन ऐसे ही हम कंप्रेसर के किसमें पढ़ते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इन केस ऑफ कंप्रेसर, राइट। बेसिकली इट इज कॉल्ड द ब्रीथिंग कैपेसिटी, ब्रीथिंग कैपेसिटी का मतलब होता है जैसे माय डियर आप हमारा अपनी बात कर लें, जैसे हमारी लंग्स की एक होती है कैपेसिटी, हम जो हमारे जो लंग्स होते हैं, बट वो हमारी क्या होती है कैपेसिटी, दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी
जितना हम लोग एयर इनटेक कर सकते हैं। बट क्या हर बार हम उतना एयर इनटेक कर पाते हैं क्या? नहीं। आपने देखा होगा माय डियर, जैसे हम लोग जैसे नीचे रहते हैं, मतलब मीन सी लेवल पे अगर हम रहते हैं, मान लो कोस्टल एरिया के आसपास रहते हैं, या इवन हम राजस्थान जैसे इलाके में रहते हैं प्लेन्स में, वहां पर अगर आप ऑक्सीजन जितना ले रहे हैं, और माय डियर एक आप हिल्स पे चले जाइए, जे एंड के साइड, हिमाचल साइड चले जाइए, राइट, हिल्स पे जब आप चले जाते हैं तो माय डियर वहां पर आपको अपने आप ऑक्सीजन के लेवल पे फर्क महसूस होने लग जाता है ना। स्पेशली माय डियर जो एस्थमेटिक लोग होते हैं उनको तो बहुत ही ज्यादा फील होता है। कहने का मतलब हम जितना ऑक्सीजन हमारी कैपेसिटी लंग्स की जितनी होती है ना, उतना हम लेते नहीं है, ठीक है। मान लो सपोज, मैं इसे एग्जांपल ले रहा हूँ, क्रूड एग्जांपल, सपोज हमारी 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन लेने की क्षमता है लंग्स के पास, लेकिन हम कितना ले पा रहे हैं? 40। हम कितना ले पाते हैं? 40। हम एक्चुअली फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते ड्यू टू सर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। सो देयरफॉर दिस डिफाइंस द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक्चुअल इनटेक अपॉन कैपेसिटी, है ना, मैक्सिमम कैपेसिटी। सो देयरफॉर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैसे डिफाइन होती है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट एट द एंट्री ऑफ द कंप्रेसर टू दैट ऑफ व्हाट? थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल क्या होते हैं माय डियर? स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम क्यों स्वेप्ट वॉल्यूम? क्योंकि माय डियर ऐसे तो आप बोल सकते थे सर, क्योंकि सिलेंडर, क्योंकि कंप्रेसर में भी तो सिलेंडर होता है ना, बट माय डियर आप भूल गए, अगर मैं रेसिप्रोकेटिंग की बात करूं तो उसमें होता है पिस्टन, तो पिस्टन भी तो अपना कुछ वॉल्यूम घेर लेता है ना, राइट। और आपको क्या लगता है पिस्टन सीधा नीचे चला जाता है क्या? पूरे नीचे तक, पूरा नीचे चलाए तो माय डियर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहां पर भिड़ जाएगा ना इसके साथ, तो पूरा नीचे नहीं जाता है, कहीं यहां जाता है नीचे। तो इसीलिए आप पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं लेते, जो वॉल्यूम स्वेप्ट हुआ है ना इस बीच में, दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर। समझ में आई बात? क्योंकि पिस्टन का मूवमेंट यहां से यहां हो रहा है, समझ में आया? सो देयरफॉर द स्वेप्ट वॉल्यूम विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस स्ट्रोक लेंथ। समझे, ये स्ट्रोक लेंथ होती ना, एंड दिस द डायमीटर ऑफ द पिस्टन। सो देयरफॉर व्हाट इज द स्वेप्ट वॉल्यूम? पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल, सिंपल। सो दिस इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल, मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। सो देयरफॉर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी समझ आया, देयर इज द एक्चुअल इनटेक एट द एंट्री टू द कंप्रेसर टू द टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है बात। नाउ वॉल्यूम एट द एंट्री माय डियर क्या होता है? दैट इज मास फ्लो रेट इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम एट एंट्री। देखिए मास फ्लो रेट का यूनिट किलोग्राम पर सेकेंड, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट एंट्री मीटर क्यूब पर केजी। सो केजी केजी कैंसिल, क्या बच गया? मीटर क्यूब पर सेकेंड हुआ ना वॉल्यूम फ्लो रेट। सो इट इज अ वॉल्यूम फ्लो रेट, इफेक्टिव वॉल्यूम फ्लो रेट एट द एंट्री टू द कंप्रेसर, समझ में आ गया। अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है? पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल, अभी समझाया। बट माय डियर यहां से क्या यूनिट आएगी? मीटर क्यूब। बट आपको तो मीटर क्यूब पर सेकेंड चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया किससे? आरपीएम से। क्योंकि माय डियर ये जो कंप्रेसर होता है ना, ये कंप्रेसर का पिस्टन ऊपर नीचे कैसे जाएगा जब आप इसको कनेक्ट करेंगे किससे? बिल्कुल माय डियर क्रैंक से कनेक्ट करनी पड़ेगी ना आपको, और ये क्रैंक घूमेगी, ये जब क्रैंक घूमेगी तब जाके ये तो रेसिप्रोकेट करेगा ना, समझे। तो ये क्रैंक का आरपीएम है, ये समझे क्रैंक का आरपीएम है, ठीक है। अब आरपीएम है पर मिनट, तो पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड बाय अगेन 60। अब वो कन्वर्ट हो गया मीटर क्यूब पर सेकंड। बट दिस इज फॉर वन सिलेंडर। मान लीजिए एन नंबर ऑफ सिलेंडर है, के नंबर ऑफ सिलेंडर है, तो क्या हो जाएगा? इनटू के। तो इस तरीके से डिफाइन होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माय डियर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो एम डॉट क्या है? मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन किलोग्राम्स पर सेकेंड। न्यू क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द एंट्री ऑफ द कंप्रेसर। कहां पर है? एट द एंट्री, ध्यान रखिएगा, एट द एंट्री ऑफ द कंप्रेसर है, ठीक है, इन मीटर क्यूब पर केजी। डी इज द व्हाट? बोर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर कंप्रेसर। एल इज द स्ट्रोक लेंथ, राइट, एंड एन इज द आरपीएम ऑफ द क्रैंक। के क्या है? नंबर ऑफ सिलेंडर। समझ में आई बात? तो ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनता है एम डॉट इनटू न्यू एंट्री डिवाइड बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल इनटू एन बाय 16 इनटू व्हाट? के। आई होप इट्स क्लियर टू यू अप टिल हियर। माय डियर एक और फॉर्मूला निकल के आता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का, दिस इज वन मोर फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। दिस इज वन मोर फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका डेरिवेशन। वैसे तो माय डियर इसका डेरिवेशन
पावर प्लांट में मिलता है। पावर प्लांट में जब हम पढ़ते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है, इन विच देर इज अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन रेसिप्रोकेट्स, है ना। तो वो कैसे कंप्रेसर होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। एक्सटेंसिवली यूज इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स, एक्सटेंसिवली यूज, जितने भी आप माइटर कंप्रेसर देखेंगे ना, जैसे इवन अपना जो एसी होता है डोमेस्टिक एसी, उसमें क्या मिलेगा आपको कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग मिलेगा माय डियर। कैसा कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग, मोस्ट ऑफ द कंप्रेसर, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज होते हैं। हाँ, काफी कुछ जगह सेंट्रीफ्यूगल भी यूज होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मतलब, या मैं आपको और पढ़ाऊंगा माय डियर, जब अपन डिवाइसेस के अंदर पढ़ेंगे, जब डिवाइसेस में जब अपन कंप्रेसर पढ़ेंगे तो कंप्रेसर के टाइप होते हैं रेसिप्रोकेटिंग, सेंट्रीफ्यूगल, है ना, ठीक है। इस टाइप के कंप्रेसर होते हैं। कंप्रेसर माय डियर एक बहुत ही कॉमनली यूज कंप्रेसर होता है, स्पेशली यूज इन एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन, जिसको हम लोग एक्सियल फ्लो कंप्रेसर बोलते हैं। अब वो सब हम लोग पावर प्लांट में पढ़ेंगे, है ना, वो सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे पावर प्लांट में, समझे। चलिए, तो एक वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का और फॉर्मूला होता है, चलिए डिराइव कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो इसका डेरिवेशन पावर प्लांट में आता है, बट नोट प्रॉब्लम, अभी मैं डिराइव कर देता हूं आप लोगों के लिए, है ना, जिससे आपको ये नहीं लगेगा सर कैसे आया। देखिए माय डियर, इफ आई टॉक अबाउट, अच्छा माय डियर और एक चीज बता दूं मैं, खास करके जो फॉर्मूले हैं दैट इज स्पेसिफिकली फॉर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, बिल्कुल ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए चल रहा है फॉर्मूला, ये भी रेसिप्रोकेटिंग है, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में सिलेंडर होगा ऑफ डायमीटर डी और जो अपना स्ट्रोक लेंथ है एल, समझ में आया। अब जो मैं ड्राइव करने जा रहा हूं दैट इज अगेन फॉर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अब माय डियर जब मैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बताऊंगा तब मैं आपको वहां और अच्छे से बताऊंगा, बट एक चीज आप समझ लीजिए, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में जो डायग्राम बनता है दैट इज पीवी डायग्राम, दैट इज फॉर द ब्रेटॉन साइकिल, उस केस में बनता है इस टाइप का साइकिल, इस टाइप का साइकिल बनता है पीवी डायग्राम में कुछ इस तरीके से। आई हैव ड्रॉन फॉर दिस रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। सो 1 से 2, 3 देन 4, दिस इज पी हायर, लोअर, दिस इज पी हायर, समझ में आया। तो कंप्रेसर ने क्या करा, लोअर से हायर प्रेशर पे कंप्रेस किया, समझ में आया। सो दिस इज द साइकिल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, आई विल एक्सप्लेन इट मोर बट इन पावर प्लांट सेक्शन, है ना। मेरा मकसद क्या है आपको, कि आपको वो जो सेकेंड फॉर्मूला है एफिशिएंसी का वो डिराइव करना। देखिए माय डियर हो क्या रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये अपना सिलेंडर है, ठीक है, और ये अपना क्या है पिस्टन, ये क्या है पिस्टन का एक डेड सेंटर है, और ये है माय डियर पिस्टन का दूसरा डेड सेंटर, राइट। तो पिस्टन यहां से यहां मूव करेगा, ये होगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू 3, इसीलिए वॉल्यूम आप देखिए माय डियर फ्रेंड्स कि वॉल्यूम जो है ना 3 से कम नहीं जा रहा, क्योंकि ये यहां तक पहुंच सकता है पिस्टन, बस इसके पीछे इसके इधर और नहीं जाएगा, ऐसे ही वॉल्यूम 1 से आगे नहीं जा पा रहा है ना। सो दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1, बात समझ आ रही है। तो क्या आप बोल सकते हैं ये स्वेप्ट वॉल्यूम है, ये स्वेप्ट वॉल्यूम बोल सकते हैं ना आप इसको। सो दिस इज वॉट वी एस। तो माय डियर आप एक चीज देख पा रहे हैं, वी एस क्या होगा यहां पर, वी वन माइनस वी थ्री बोल सकता हूं क्या मैं। देखिए वी वन होगा यहां से यहां तक, वी थ्री होगा यहां से यहां तक, तो वी वन माइनस वी थ्री हो जाएगा ना स्वेप्ट वॉल्यूम, समझ में आ गया। तो स्वेप्ट वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख सकता हूं वी वन माइनस वी थ्री, कोई शक नहीं है ना, ओके। इस वॉल्यूम को माय डियर क्या बोलते हैं, इस वॉल्यूम को जो थोड़ा बहुत रह जाता है जब पिस्टन अपने दूसरे डेड सेंटर पे पहुंचता है, इस वॉल्यूम को माय डियर जो मतलब मिनिमम पॉसिबल वॉल्यूम होता है, इसको हम लोग माय डियर क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। ये सब आपने आईसी में भी पढ़ा होगा, है ना, ये क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं कि नहीं। क्लियरेंस वॉल्यूम हमें देना पड़ता है थोड़ा बहुत, ध्यान है क्यों देना पड़ता है, वो आपने आईसी में पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए हमें तो क्या है, मतलब है रिलेशन से हमें रिलेशन डिराइव करना है, ठीक है। अच्छा माय डियर एक चीज और मैं अज्यूम कर रहा हूं, इस केस में होता क्या है कि 1 से 2 और जो 3 से 4 आप जो प्रोसेस देख पा रहे हैं ना, ये माय डियर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, मतलब पीवी टू द पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। ये कैसा हो रहा है, पीवी टू द पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, कोई जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो रहा है, और ये वाले प्रोसेस किस पे हो रहे हैं, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हो रहे हैं माय डियर, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हो रहे हैं ये वाले, ठीक है, ओके। नाउ माय डियर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन से चलते हैं पहले फिर ड्राइव करेंगे। इट इज व्हाट वॉल्यूम इनटेक,
अपॉन स्वेप्ट, यही होता है ना, ठीक है बात की नहीं? अरे यहां तक बात ठीक है। तो अब माय डियर मुझे एक बात बताइए, हो क्या रहा है? अच्छा मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं कि जो रेसिप्रोकेटिंग कंपेयर, हाँ पहले थोड़ा चलो थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं यार, उसके लिए ओवरव्यू देता हूँ। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी कुछ इस टाइप का होता है, इसमें दो वाल्व होते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व, है ना। इनलेट से एयर आएगी और कंप्रेस होने के बाद में एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा और फिर एयर निकल जाएगी, और एयर इस बार कैसी होगी, कंप्रेस्ड एयर होगी, समझ में। यही है रेसिप्रोकेटिंग, और ये कनेक्ट हो जाएगा किससे, अपने पिस्टन से, सॉरी क्रैंक से, है ना, बस ठीक है। ठीक है, ये क्रैंक से कनेक्ट होगा, क्रैंक घूमेगा विथ सम आरपीएम, और उससे क्या होगा, पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा, और उसके कारण क्या होगा, कंप्रेशन, यहाँ पर एयर होगी, है ना, एयर इनटेक होगी, कंप्रेस होगी, फिर यहाँ से कंप्रेस एयर बाहर निकल जाएगी, समझ में आया? ओके, तो माय डियर अभी बात बताइए, ये जो है ना फोर से वन हो रहा है इनटेक, देखिए फोर से वन जो प्रोसेस हो रहा है ना, मैं आपको बता दूं, ये हो रहा है इस दौरान एयर का इनटेक इनटू द सिलेंडर, समझ में आया? इस दौरान हो रहा है एयर का इनटेक। वन से टू जो हो रहा है, इस दौरान हो रहा है कंप्रेशन प्रोसेस, समझ में आया? तो एयर वन से फोर से वन जब इनटेक हो रहा है ना, तो पिस्टन आ रहा होता है नीचे, पिस्टन नीचे आ रहा होता है, और उस टाइम पे एग्जॉस्ट इनटेक वाल्व खुला होता है, तो एयर आ रही होती है अंदर नीचे, है ना, एयर अंदर आ रही होती है फोर से वन। तो आपको क्या लगता है वॉल्यूम इनटेक क्या होगा, इट शुड बी v1 - v4 और नॉट? v1 - v4, तो माय डियर एक्चुअल वॉल्यूम इनटेक इतना हुआ है, पर स्वैप वॉल्यूम कितना था, v1 - v3, ये समझाने के लिए आपको मैंने बताया। अब ठीक है बात, उसके बाद माय डियर वन से टू जो प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं कंप्रेशन, इट इज क्या, पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन, समझ में आया, पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। नाउ जो टू से थ्री प्रोसेस होता है माय डियर, टू से थ्री क्या होता है जी, टू से थ्री में माय डियर हो रहा होता है एयर का रिजेक्शन, है ना, जो है हीट का भी रिजेक्शन होता है, और उस समय होता क्या है, वाल्व खुल जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, और यहां से निकलती है कंप्रेस एयर, यहां से कंप्रेस एयर निकलना चालू हो जाती है, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, है ना, कंप्रेशन एयर निकलना चालू हो जाती है। उसके बाद में फिर थ्री से फोर क्या होता है, प्रेशर रिलीज होता है, ठीक है, बात समझे? अरे यहां तक ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, पिस्टन अभी नीचे नहीं गया है, अब यहां पिस्टन नीचे चला गया ना, और एयर भी निकलने लगी, तो प्रेशर इसलिए रिलीज हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है माय डियर। कुल मिलाकर जो इनटेक वॉल्यूम है, दैट इज v1 - v4 और नॉट, क्योंकि इस दौरान क्या हो रहा है, एयर अंदर आ रही है, और ये पूरा क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम, समझा दिया आपको, है ना, इतना ठीक है? अरे यहां तक ठीक है यार, ओके चलिए। तो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आ गई v1 - v4 / v1 - v3, ठीक है। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा अलग वे में लिख रहा हूं, देखो मैं v3 जोड़ रहा हूं और v3 सबट्रैक्ट कर रहा हूं, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर? अरे कुछ नहीं किया मैंने, v3 ऐड किया, सबट्रैक्ट कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो यहां से क्या होगा, देखो इसको मैं अलग कर सकता हूं इस तरीके से, v1 - v3 और v3 - v4 को अलग कर दिया, अलग कर करके तोड़ के लिख दिया ऐसे फ्रैक्शन में, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1+, राइट, ये हो जाएगा v3 - v4 / v1 - v3, ठीक है बात। अरे आई होप इट्स क्लियर टू यू, है ना, ठीक है। अच्छा माय डियर यहां पे एक और काम कर रहा हूं, अब इस केस में इसको मैं फिर पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ रहा हूं, कैसे पड़े ध्यान से देखना। अब मैं इस बार v1 जोड़ रहा हूं और v1 घटा रहा हूं, है ना, v1 - v1 + v3 - v4 / v1 - v3, है ना, ठीक है, राइट। तो ये हो जाएगा eta = 1+, देखो ये हो जाएगा v1 - v3, है ना, v1 - v1, इसको माय डियर करने की जरूरत नहीं है सच, ये रहने दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक ठीक है, इतना बात समझ आ गया, नहीं ये फालतू का स्टेप था, रहने दो, ठीक है। चलो इससे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, राइट, ठीक है। अब देखो, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं,
वन प्लस, देखो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे तोड़ता हूं मैं, वी थ्री अपॉन वी वन माइनस वी थ्री, है ना। एक बार तो वी थ्री को ऊपर रख दिया अपॉन वी वन माइनस वी थ्री, अब क्या हो जाएगा माइनस वी फोर अपॉन वी वन माइनस वी थ्री। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिया माय डियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां पर, राइट? ओके, वेरी गुड। अच्छा माय डियर, एक टर्म डिफाइन होता है, दैट इज सी, यू मस्ट हैव स्टडी इन राइस इंजन, दैट इज व्हाट, क्या होता है, क्लियरेंस रेशियो। क्या होता है क्लियरेंस रेशियो? इट इज नथिंग बट द क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, याद है? अब माय डियर एक बात बताओ इसको देख के, इसमें क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होगा? देखो व्हाट इज क्लियरेंस वॉल्यूम ओवर हियर, वी थ्री होगा ना। अरे ये मैंने बताया था ना क्लियरेंस वॉल्यूम, तो ये वी थ्री होगा कि नहीं? सो दैट इज नथिंग बट वी थ्री अपॉन स्वेप्ट, क्या था, वी वन माइनस वी थ्री, है ना। इसको मैं सी से डिनोट कर रहा हूं, दैट इज क्लियरेंस रेशियो, ठीक है बात? ओके गुड, आगे देखिए। तो अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद ये बन जाएगा जो अपना एक्सप्रेशन है ईटा का, दैट विल बी नथिंग बट हाउ मच इट विल बी वन प्लस, देखो ध्यान से, ये बनेगा वन प्लस, वन प्लस ये क्या बन गया, पूरा सी बन गया ना, तो वन प्लस सी माइनस अंदर, अब बाकी क्या बचेगा, वी फोर, सॉरी वी फोर अपॉन वी वन माइनस वी थ्री बचेगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं दोस्तों, पहले बताओ क्लियर यहां तक? ओके, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय वी थ्री, मैं क्या कर रहा हूं वी थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, राइट? तो क्या आ जाएगा, वन प्लस सी माइनस, अगेन माय डियर स्टूडेंट्स लुक एट हियर, ये तो वी फोर अपॉन वी वन माइनस वी थ्री, ये वी थ्री अपॉन वी थ्री, माई डियर वी थ्री अपॉन वी वन माइनस वी थ्री अगेन क्या होता है, सी, ध्यान है सी, अंदर क्या बचेगा, वी फोर अपॉन वी थ्री। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स फॉर प्रोसेस थ्री टू फोर कैसा प्रोसेस हो रहा है, पॉलीट्रॉपिक, तो पी थ्री वी थ्री टू दी पावर एन विल बी वॉट, पी फोर वी फोर टू दी पावर एन, या फिर मैं लिख सकता हूं उसको पी लोअर वी थ्री टू दी पावर एन इक्वल टू वॉट, पी हायर वी फोर टू दी पावर एन। तो बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं, वी फोर अपॉन वी थ्री को दैट विल बी वॉट, पी लोअर अपॉन यस पी हायर टू दी पावर वन अपॉन एन, ये बात समझ आ गया? सो जस्ट सब्सटीट्यूट इट ओवर हियर। तो माय डियर हमारे पास में नया फॉर्मूला बन के आ गया वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का, सो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल बी वॉट, वन प्लस सी माइनस सी एक मिनट।